अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीरम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटन कोरमा। इसे बनाने के लिए चाहिए 1/2 kg मटन, 2 आलू, मूंगफली, प्याज, सूखा नारियल, खसखस, दही। इन चारों चीज़ों को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। इन रोस्ट करी हुई चीज़ों को मिक्सर जार में डालकर बारीक सा पेस्ट बना लेना। स्मूथ सा पेस्ट चाहिए हमें। ये रहा हमारा पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ा वाटर ऐड किया था, ऐड करके बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं खोरमा बनाने के लिए जा रही हूँ। ये रहा हमारा प्रेशर कुकर, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, ऐड करके अब ये हमारे जो आलू है उसे मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। धीमी आंच पर रखकर मैंने इसे लाइट ब्राउन करूंगी। इस तरह से मैंने आलू को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब हम करेंगे, ये हमारा ऑयल है ना, इसमें 1 स्पून जिंजर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जिंजर ब्राउन पेस्ट टर्मरिक 1/2 टीस्पून डालकर हम इसे मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसमें अब मटन ऐड करेंगे। इस तरह से हमने मटन ऐड कर दिया है। इसमें ही हम हमारे जो मसाले थे वो भी ऐड करेंगे। मैंने मसालों को भी ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमारे कुकर का ढक्कन लगा कर इसे हम 2 विजिल आने तक कुक कर लेंगे। दो विजिल आ चुके हैं, हम कुकर का ढक्कन निकाल लिया है और हमने इसे अच्छे से सूखा ड्राई होने तक मिक्स करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमें हमारे कुकर के तले ना लगे। अच्छे से हमारे मसाले ड्राई हो चुके हैं। इस तरह से हम ऑयल बाहर आ गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे हमारा। ऐड किया था ना, उसमें हमने 1 ग्लास वाटर भी ऐड किया। अब हम इसमें ये हमारे जो ब्राउन करे हुए आलू थे वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें शाजीरा और इलायची भी ऐड करेंगे। अच्छे से हमें 5 से 10 मिनट्स के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। हमारा कोरमा कुक हो गया है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब थोड़ा सा लेमन जूस, गैस ऑफ करके लेमन जूस डाल रहे हैं हम। 1/2 लेमन है ये। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये रहा हमारा आलू मटन कोरमा रेडी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।